नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वांडरर पाटिल पे। चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फिलहाल हम आए हैं MTHL के एग्जिट पर। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो यहाँ पर आप एग्जिट करेंगे और ये रोड जाता है टूवर्ड्स पनवेल। अब पनवेल में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, आपको तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाला हूँ। हम ट्रैवल करने वाले हैं टूवर्ड्स पलस पे और पलस पे उसे गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन सर्कल भी कहा जाता है। अब वो क्यों कहा जाता है उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए, आप मुंबई से आते हैं पुराना रास्ता लेकर, आप पहुँचते पलस पे। जिनको पलस पे पता नहीं है उनको बता दूँ, जो मुंबई गोवा की तरफ एक रोड जाता है, एक सीधा रोड जाता है टूवर्ड्स पुणे जो कि ओल्ड हाईवे है और वहाँ से न्यू हाईवे को भी कनेक्ट करता है आगे जाकर। इस वजह से क्या है ना, वो जो एंटायर एरिया है वो कनेक्टिविटी की पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और इस वजह से क्या हुआ है ना, वहाँ पर तीन मेजर प्रोजेक्ट्स, तीन लग्जरी सेगमेंट के गेटेड कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं। तो उन तीन प्रोजेक्ट्स को हम रिव्यू करने वाले हैं और उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होगी। वैसे अगर आप कार से ट्रैवल करते हैं मुंबई में तो आपने आजकल सुना होगा कि मेरे पापा ने घर लिया या मेरे हस्बैंड ने घर लिया साई वर्ल्ड सिटी में, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन, अब वो इजीली कम्यूट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ MTHL। तो मैंने सोचा इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपको कुछ दिखा दूँ, सो दैट अगर आप एक्चुअली में सोच रहे हैं साई वर्ल्ड सिटी में घर लेना तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी है आपके पास। आपके पास अरियंत एस्पायर है, आपके पास मैराथन नेक्सॉन है और आगे जाकर भी एक दो और प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। सिर्फ वही नहीं, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊँगा कि बाकी की जो एमिनिटीज़ है ना। देखिए, आप अच्छे कॉम्प्लेक्स में गेटेड कम्युनिटी में घर ले रहे हैं, आप अपने परिवार की खुशियों के लिए ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें लगती है। जैसे आपको सुपरमार्केट लगता है, आपको लगेगा हॉस्पिटल, स्कूलिंग, ये सारे ऑप्शंस क्या क्या है वहाँ पर उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से डिस्टेंस है लगभग 14 से 15 किलोमीटर, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ रोड अच्छा है, आप 15 मिनट में पहुँच जाएंगे पलस पे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे साई वर्ल्ड सिटी, उसके बाद हम घूम कर जाएंगे अरियंत एस्पायर और उसके बाद फाइनली हम रिव्यू करेंगे मैराथन नेक्सॉन। तो चलिए, प्रोजेक्ट के अंदर नहीं लेके जाऊंगा, मैं ब्रोकर नहीं हूं तो मुझे वो उस चीज़ का एक्सेस नहीं है। चलिए, ये देखिए दोस्तों, पनवेल 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब समय हो चुका है 12:13 ऑन द क्लॉक। अब देखते हैं कितने समय में हम साई वर्ल्ड सिटी पे पहुंचते हैं। सबसे पहले हम वहां पर जाएंगे, कोशिश करेंगे आपको कुछ दिखाने की वहाँ पर अगर हमको एक्सेस मिलता है। वैसे उनकी जो ओपन एरिया है वहाँ पर तो हम जा ही सकते हैं, जहाँ पर रिटेल स्पेस है वहाँ पर जाके आपको थोड़ी डिटेल्स देता हूँ। कॉस्ट क्या है, उनका नया Phase 3 भी लॉन्च हुआ है तो काफ़ी एडवर्टीजमेंट हो रही है। लेकिन दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं साई वर्ल्ड सिटी के एंट्रेंस पर। अब समय हो चुका है 12:26, यानी 13 मिनट लगे हमें पहुँचने के लिए फ्रॉम MTHL का जो एग्जिट है वहाँ से। तो चलिए अंदर जाते हैं। और ये देखिए, बढ़िया सा ग्रैंड एंट्रेंस है इनका। यहाँ पर ICICI बैंक है और नीचे सारे रिटेल स्पेसेस हैं। ऐसे अंदर जाने के लिए 3-tier सिक्योरिटी है तो ऑब्वियसली हम अंदर नहीं जा पाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा कोई जान पहचान का यहाँ पर रहता नहीं है और किसी की सिक्योरिटी ब्रीच करना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, हम खड़े हैं साई वर्ल्ड पैराडाइज पलस पे। ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफी लग्जरियस प्रोजेक्ट है, यानी अगर आपके पास पैसा है ना तो इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं कुछ महीने पहले आया था यहाँ पर इंक्वायर करने और जो Phase 3 है इनका, जो 2026-27 में शायद कंप्लीट हो जाए, आई थिंक 2027 जो यहाँ पर वो क्लेम करते हैं 85 लाख ऑनवर्ड्स, तो
उसके बारे में मैंने इंक्वायर किया था और उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट वॉज गोइंग अराउंड 1 crore 25 lakhs प्लस, यानी 85 लाख तो फ्लैट की है। उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस, कौन से फ्लोर पे ले रहे हो आप, इनका जो क्लब हाउस है उसके भी काफ़ी बड़े चार्जेस है क्योंकि 7 फ्लोर का क्लब हाउस है। और ऑब्वियसली अगर आपको लग्जरी लिविंग लेनी है, अगर आप वो सारी एमिनिटीज यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन हर एक जो बिल्डिंग है उसके अपने एमिनिटीज भी हैं। तो मे बी क्लब हाउस की जो मेंबरशिप है वो चॉइस बेस्ड है, यानी कंपलसरी नहीं आपको लेना है। देन पार्किंग इज अनदर 8 lakhs, तो वैसे कुछ स्ट्रक्चर मिला के 1 crore 26 lakh का कुछ मुझे कहा गया था। तो ऑब्वियसली देखिए उतना बड़ा एक्सपेंस करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने वो ऑफर को पास ऑन कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपके साथ वो नेगोशिएट करेंगे, बट दैट वाज ओवर द टॉप फॉर मी, तो मैंने साइडलाइन कर दिया उस ऑफर को। लेकिन अगर हाँ आपके पास पैसा है, सारे एमिनिटीज अंदर है, अंदर रिटेल स्पेसिस है, स्कूल्स भी नज़दीक है, अच्छी कम्युनिटी लिविंग है, गेटेड कम्युनिटी के अपने एडवांटेजेस होते हैं। देखिए अगर 1.25 crore के फ्लैट आप ले रहे हैं तो ये सोचिए आपके नेबर्स भी उसी इनकम ग्रुप के हैं, तो एक अच्छा नेटवर्किंग भी हो जाता है, शायद आपको सेम माइंड के सेम हॉबी के लोग भी यहाँ पर मिल जाए, तो इसके एडवांटेजेस बहुत होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए 1 crore 25 lakh आपने दे दिया ना, अब जो लग्जरी सेगमेंट के प्रॉपर्टीज होते हैं ना उनके रेट्स जल्दी बढ़ते नहीं है, आपको वो पैसा या फिर अप्रिसिएशन देखने में समय लगेगा, 5, 7, 8 साल लगेंगे, तब एक्चुअली आप अपना फ्लैट का कीमत बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ, मेरा मानना है कि फ्लैट रहने के लिए होना चाहिए ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आप दूसरा एक ऑप्शन है, आपको नए फ्लैट में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, तो नो ब्रोकर पे या फिर कोई और वेबसाइट पे चेक कीजिए, कुछ जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं या फिर देयर आर सम पीपल हु वांट टू सेल इट, तो वो ऑप्शन भी अच्छा, और वहाँ पर अच्छे अच्छे रेट मिल रहे हैं, 85 lakhs प्लस टैक्सेस, यानी वो 95 max तक पहुँच जाएगा, यानी काफ़ी अच्छी सेविंग होगी। और वो जो फ्लैट्स है वो बड़े फ्लैट्स है जो Phase 3 में आएंगे और रिलेटिवली छोटे होंगे उसके कंपेरिजन में, Phase 1 के फ्लैट्स बहुत बड़े हैं, तो वो ऑप्शन है, उसे भूलिए मत। अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर कीजिए। आई नो द डेवलपर इज गोइंग टू हेट मी फॉर दिस, बट यहाँ पर है, ज़्यादा नहीं है बट कुछ लोग बेच रहे हैं, तो वो भी देखिए। अब आगे जाते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, चलिए। और देखिए दोस्तों, आप जब साई वर्ल्ड सिटी से सीधा आएंगे और सर्कल लेंगे ना, तो यहाँ पर एक आपके शॉपिंग के लिए डीमार्ट भी अवेलेबल है, हार्डली 500 meters कह सकते हैं, 500 to 1 kilometer, और उसके ऑपोजिट में रिलायंस का स्मार्ट मार्केट भी है। तो आपको मंथली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ये दो ऑप्शन है। सामने देख सकते हैं, ये है मैराथन नेक्सॉन, ये भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं। अगर आप कंपेयर करो तो ऑब्वियसली साई वर्ल्ड सिटी इज बेटर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और जो एमिनिटीज उन्होंने प्रोवाइड की और जो ओपन स्पेसेस है, उस हिसाब से साई वर्ल्ड सिटी इज बेटर। कॉस्ट वाइज अगर मैं कहूँ तो मैराथन नेक्सॉन कैन फिट इन टू योर बजट। अब कैसे, वो मैं आपको वहाँ पर जाके समझाता हूँ। आप देख सकते हैं इनके बहुत सारे टावर्स हैं और आगे भी और बन रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है कंपेरेटिवली। अब राइट में देखिए साई वर्ल्ड सिटी जो काफ़ी स्पेस्ड आउट लग रहा है, लेकिन ये जो है मैराथन नेक्सॉन का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी कंजेस्टेड है, यानी बिल्डिंग्स आर लाइक स्टैक्ड जस्ट वन आफ्टर दी अनदर। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन ठीक है, देखिए हर एक बिल्डर का अपना तरीका होता है पैसा कमाने का, एंड इसीलिए वो डेवलपर है वहाँ पर, वो चैरिटी करने तो बैठे नहीं है, तो इस वजह से जितनी ज़्यादा जो उनको अप्रूवल मिलता है वो मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन है। चलिए यहाँ पर थोड़ा देर रुकते हैं और आपको इस प्रोजेक्ट के थोड़े डिटेल्स दे देता हूँ। तो हम खड़े हैं दूसरे प्रोजेक्ट के यहाँ पर जिसका नाम है मैराथन नेक्सॉन। जैसे मैंने कहा ये भी लग्जरी सेगमेंट में आता है और यहाँ पर भी आपको सारी एमिनिटीज मिलेंगी, जैसे क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, गेटेड कम्युनिटी है, Level 3 सिक्योरिटी है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी है। अब बात करता हूँ इसके प्राइसिंग की, तो देखिए जब मैंने इंक्वायर किया था
तब मुझे प्राइस कोट की थी 1.05, 1.05 करोड़ प्लस पार्किंग, यानी टैक्सी के साथ और पार्किंग के साथ लगभग जाएगी 1.12 करोड़। सुन के तो मैं भी चकरा गया, क्योंकि पलस पे पनवेल इतनी ज़्यादा प्राइसिंग क्यों है? उसके रीजंस है और लोग खरीद भी रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी है, रीसेल में। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी फ्रॉम 75 लाख ऑनवर्ड्स। अब कारपेट क्या है, यूजेबल एरिया कितना है, वो आप चेक कर सकते हैं। नो ब्रोकर है, मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर्स है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं और यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट जो है वो रीसेल पर अवेलेबल है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, साई वर्ल्ड सिटी, मैराथन नेक्सॉन और उसके आगे अरियंत एस्पायर, ये जो तीन प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये हार्डली 500 मीटर के रेडियस के अंदर है और ये तीनों प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट के गेटेड कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं। यानी यहाँ पर है ना, आपके बहुत सारे दोस्त बन सकते हैं, आपके बच्चों के दोस्त बन सकते हैं और आप यहाँ पर लाइफ टाइम रह सकते हैं। यानी ऐसा होता है ना कि यार, एक मैंने 7th फ्लोर या 10th फ्लोर की बिल्डिंग में, स्टैंड अलोन बिल्डिंग में ले लिया, अब मैं अपग्रेड करूंगा टू अ बेटर हाउसिंग जहाँ पर गेटेड कम्युनिटी हो, तो आपने अगर यहाँ पर एक बार ले लिया तो शायद आप उसके ऊपर अपग्रेड करने के बारे में ना सोचे, क्योंकि आप इतने दोस्त बन जाते हैं, इतने वेल विशर्स बन जाते हैं, आपका ग्रुप बन जाता है, तो आपका मन नहीं करता। तो आपको दो ऑप्शन दिखा दिए दोस्तों, और अब हम जाएंगे टूवर्ड्स द थर्ड ऑप्शन जो कि है अरियंत एस्पायर। तो दोस्तों, हम खड़े हैं तीसरे प्रोजेक्ट के यहाँ पर जिसका नाम है अरियंत एस्पायर। अब ये थोड़ा आपको ऑफ दिखता होगा कि ये है ऑन मुंबई गोवा हाईवे, सुन के ऐसा लग रहा है काफ़ी दूर है ना। वो देखिए, सामने है मैराथन नेक्सॉन और उसके पीछे है साई वर्ल्ड सिटी। जो मैं कह रहा था ना, ये हार्डली 500 मीटर के प्रॉक्सिमिटी में सारे प्रोजेक्ट्स है। इस प्रोजेक्ट का एडवांटेज क्या है, आप गोवा इजीली जा सकते हो, नॉट दैट आप रोज़ जाओगे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, यहाँ से थोड़ा आगे जाके आप लेफ्ट लेके टूवर्ड्स एयरपोर्ट रोड जा सकते हो और उसके आगे MTHL है। सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट की, विच आई लाइक द मोस्ट, और मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। देखिए, मैंने आपको इन दोनों प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बता दी। न्यू फ्लैट्स आर अबव 1 crore। एक तो 1.26 करोड़ मांग रहे हैं, दूसरे मांग रहे हैं 1.05 करोड़ प्लस पार्किंग चार्जेस, विच इज़ अराउंड 1.12 crore, 1.13 crore। यहाँ पर जो चार्जेस है ना, वो है 69 lakhs, और ये सारा मैं 2BHK के बारे में बात कर रहा हूँ। 69 lakhs प्लस टैक्सेस प्लस पार्किंग, यानी मोटा मोटा आपका 82 lakhs तक आपको एक अच्छा फ्लैट 2BHK का मिल जाएगा। ये 69 lakhs की जो स्कीम है ना इनकी, ये प्री लॉन्च वाली स्कीम है, यानी कुछ 1,08,000 आपको भरने हैं, आपको बुक करना है, एंड देन दे विल एक्चुअली टेल यू, जब इनकी बुकिंग ओपन होगी तो वो बताएंगे कि आपको कारपेट कितने का मिलने वाला है। अब मैंने भी इस प्रोजेक्ट में पैसे दिए हैं, और क्योंकि कुछ व्यूअर्स हैं जो मुझे कॉल करते पूछते हैं, तो मैंने उनको कहा है, तो मैंने चलो सबको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं भी घर ढूँढ रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने 1,08,000 रुपये भर कर एक मेरा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनको दिखाया है। अब जब ये बुकिंग ओपन करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में मुझे कारपेट कितने का मिलने वाला है, यूजेबल नहीं, एक्चुअल कारपेट कितने का मिलेगा। एंड उसके बाद मैं चेक करूँगा कि वो प्राइस उस कारपेट को जस्टिफाई करता है या नहीं। अगर करता है देन आई विल गो अहेड विद द बुकिंग, बट मुझे लगता है कि, और इनका प्रोजेक्ट है 2026-27 तक ये पोजेशन देंगे, तो मैं तो 2027 मानकर चल रहा हूँ। अगर उस इकोनॉमिक्स में, उस मैथमेटिक्स में अगर मुझे फ़ायदा दिखा, देन आई विल गो फॉर इट, अदरवाइज आई विल विड्रॉ माई सेल्फ फ्रॉम इट। तो मेरे भरोसे पे मत डालिए पैसे, ऐसा नहीं कि आप डालोगे, लेकिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि मुझे मैंने जो पैसे भरे थे उसकी रिसीप्ट और डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और उसके बाद आगे जाकर हम दो स्कूल्स हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे और हमारे ब्लॉग का एंड करेंगे। लेकिन ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम पलसवा फाटे से थोड़े आगे आए, और जैसे मैंने कहा ना, मुझे आपको स्कूल दिखानी थी। तो स्कूलिंग के ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन है, विच इज़ DPS पनवेल। द मोड ऑफ एजुकेशन इज CBSE,
और अच्छी स्कूल है, रिनाउंड स्कूल है। अगर आप नॉर्थ में या नॉर्थ से हैं तो आपको पता होगा DPS काफ़ी वेल नोन चेन ऑफ स्कूल है, और ऑब्वियसली इट्स स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड। द फीस इज लाइक 1 लाख और प्लस सब कुछ मिला के 1.5-2 लाख रुपए आपके चले जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो वैसे दूसरे ऑप्शंस भी है, आप आगे जाएंगे तो आपको MNR करके एक स्कूल है, वो भी है, तो वो भी चेकआउट करते हैं और आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम दूसरी स्कूल की तरफ और स्कूल का नाम है MNR, पीछे देख सकते हैं। और दिस स्कूल इज़ विद इन बजट, यानी DPS के कंपैरिजन में इट्स ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस। और इसकी प्रॉक्सिमिटी अगर आपको दिखाऊं तो सामने देखिए, दैट्स वेयर आर्यंत एस्पायर इज, तो काफ़ी दूर भी नहीं है, नज़दीक है और डिसेंट स्कूल है। तो अब मैं आपको थोड़े प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ इस लोकेशन के। देखिए अगर आप, तो चलिए मैं आपको इस लोकेशन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊँ। तो सबसे पहला एडवांटेज है दी लोकेशन इट्सेल्फ, प्रॉक्सिमिटी टूवर्ड्स नवी मुंबई एयरपोर्ट, डेवलपमेंट, क्योंकि जो महा मुंबई है इट इज़ गोइंग टू बी बिगर देन मुंबई, इट इज़ गोइंग टू बी मच प्लान्ड, वाइडर रोड्स, कम्यूटिंग बहुत आसान होने वाला है। तो उस पर्सपेक्टिव से दिस इज़ अ गुड लोकेशन। एंड हॉस्पिटल्स, मार्केट प्लेसेस, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप होंगे। और आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है, आपको जो प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर घर मिल रहे हैं ना, वो आपको अंधेरी, बांद्रा या साउथ मुंबई में नहीं मिलेंगे। आप इनफैक्ट वहाँ पे अगर आप तीन घर ले रहे हो तो यहाँ पर एक घर ले रहे हो तो यहाँ पर तीन घर ले सकते हो, तो आपके पॉकेट पे हैवी नहीं होगा। टॉकिंग अबाउट द नॉट सो गुड पार्ट, अगर आपका जॉब लोकेशन मुंबई है और MTHL से आप कम्यूट कर पाते हो और उससे अगर आपका डिस्टेंस कम होता है देन इट इज़ फाइन। अदरवाइज बोरीबली, अंधेरी यहाँ पर आपका जॉब लोकेशन है और मे बी मलाड, देन इट्स डिफिकल्ट। तो आप यहाँ पर घर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी कंपनीज यहाँ पर भी आएंगी, देर इज़ अ डेटा सेंटर दैट्स गोइंग टू ओपन अप, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन ओवर हियर इटसेल्फ। तो आई होप आप अपना एनालिसिस करेंगे और डिसीजन लेंगे, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंटिल देन थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर वांडरर पाटिल, बाय।